Somebody, आ जा सर के साथ. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णवर्गाय तद्भक्ताय नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलस मधुर स्थलिके राधांज सुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनोमे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बलहरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम. श्रीमती राधा रानी सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ. तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ. उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ. हरे कृष्ण. आज जीवन का सबसे बढ़िया दिन है क्योंकि आज श्रीमती राधा रानी की जन्मतिथि है. यदि जो श्रीमती राधा हमारे जो संप्रदाय है कहते ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय हमारी संप्रदाय का नाम. बोले गौड़ीय मतलब क्या होता है इसका बहुत सारे अर्थ है. पहला नंबर है कहते श्री मध्वाचार्य का बचपन का नाम था गौड़ है उसका नाम था गौड़पूर्ण इसलिए गौड़ीय. दूसरा तात्पर्य है कहते श्री चैतन्य महाप्रभु को धारा में आए इसलिए गौड़ीय है. कहते महाप्रभु जो जन्म हुए वहाँ की जो राज्य है हैं कहते वहाँ वहाँ का नाम था गौड़ देश इसलिए महाप्रभु गौड़ देश में महाप्रभु आए इसलिए गौड़ीय है. लेकिन और एक तात्पर्य है कहते हमारी संप्रदाय का जो आराध्या देवी है कहते श्री गौरी श्री राधा रानी. गौड़ीय मतलब होता है जो श्री राधा रानी की चरण को आश्रय ग्रहण करते हुए जो भजन करते हैं इसलिए हम सबके सब श्री हमारी स्वामिनी कौन है श्री राधा रानी. इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे संप्रदाय के हम लोग सबके सब श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव श्री रूप गोस्वामी को हम फॉलो करने वाले हैं. श्री रूप गोस्वामी को हम हेलो करते हैं इसलिए कहते श्री रूपानुग में जो सर्वश्रेष्ठ रूपानुग इनको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया गया. कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं अगर हमें पूछा जाए भैया तुम्हारे साथ में कृष्ण का क्या संबंध है क्या संबंध कृष्ण का साथ में हम बोलेंगे भैया हमारे डायरेक्ट कृष्ण को साथ में हमारी कोई संबंध नहीं हमारी संबंध तो श्री राधा रानी को साथ में हाँ कृष्ण का साथ में हमारी संबंध है लेकिन पास का नहीं दूर की. बोले क्यों बोले इसलिए कृष्ण का साथ में हमारी संबंध है
चूंकि जो कृष्ण हैं और राधा रानी के श्री प्रियतम लगते हैं, राधा रानी के श्री प्रियतम लगते हैं, उनके प्रभु लगते हैं, इसीलिए कृष्ण से हमारी संबंध है। लेकिन हमारी जो डायरेक्ट संबंध है किसको साथ में, श्री राधा रानी को साथ में हमारे श्री डायरेक्ट संबंध है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बोले राधिकार दासी जदि हाय अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल कान। इसलिए प्रिया कृष्ण किसको जल्दी जल्दी, कृष्ण किसको मिलते हैं, बोले कृष्ण उनको जल्दी जल्दी मिलते हैं। अगर किसी मन में अभिमान हो जाए हम कौन है, बोले श्री राधिकार दासी यदि है अभिमान, अगर ये अभिमान हो जाए हम श्री किशोर जी श्री राधा रानी की दासी है, बोले शीघ्र मिले तबे गोकुल कान, उनको जो गोकुल कान जो कृष्ण तब भी उनको श्री शीघ्र शीघ्र मिलेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले अनारध राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटबीम असंभाष तद भाव गंभीर चिताम कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। मतलब है अगर जीवन में कृष्ण भक्ति रस समुद्र में कोई अगर स्नान करना चाहता है, कृष्ण प्रेम में कोई स्नान करना अगर कोई चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, कहते तीन चीज को अगर हम आश्रय करेंगे हमें जल्दी से जल्दी कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। बोलो तीन काम किया है, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोजरे, जब तक से राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय ग्रहण नहीं करते। बोले दूसरा क्या है, बोले राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। बोले सबसे जो बड़ी चीज है राधा रानी की भक्ति रस में जो डूबे हुए जो साधु है जो कि राधा जी को ही जीवन के सर्वस्व जिसने माना है, जैसे हमारी श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, विशेष करके हमारी महाराज जी इनकी ब्रज भक्ति में और राधा रानी की भक्ति में उनको विशेष विशेष निष्ठा है, विशेष विशेष इनकी निष्ठा थी। इसलिए कहते ऐसे भक्त जिनको संपूर्ण रूप में गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे कि रुई लो कटर, उसको अगर पानी में डुबो दोगे ना उसका कण कण में पानी चली जाएगी है, जैसे रसगुल्ला खाएगी नहीं, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाए, जैसे रसगुल्ला उसका कण कण में रस है, रसगुल्ला है पूरा रस ही जिसको कण कण में है, कहते उसी तरह अगर किसका मति है, कहते कृष्ण रस भाविता मति, यहाँ पर राय राम कहते कृष्ण रस भाविता, बोले नहीं, बोले राधा रस भाविता मति क्रियताम कुत्ता भी यदि लभ्यते तत्र मौल्य मूल्य में कलम कुटी सुकृत अपना लभ्यते। यहाँ पर श्री राय रामानंद कहते हैं, बोले राधा रस भाविता मति, अगर भाग्य से अगर ऐसे भक्तों का संग हमें मिल जाए, बोले कैसे भक्तों का संग, बोले जिनकी मति संपूर्ण रूप में श्री राधा रानी की भक्ति रस में संपूर्ण जो डूबा हुआ भक्त, अगर जीवन में ऐसे कहीं भक्त मिल जाए, कहते भक्ति मिलती है कैसे, बोले भक्ति तभी मिलती है जब सुकृति पूर्व संचित है, कहते पूर्व जन्म का सुकृति से ही ये भक्ति मिलती है। लेकिन कहते हैं कोटि सुकृति अपनी न लभ्यते, कहते करोड़ करोड़ सुकृति को द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है, अगर हमें कहीं राधा रानी की भक्ति रस में डूबे हुए किसी साधु का अगर संग हो जाए ना, हाँ हमारी काम बन जाए। जो मेन जो वस्तु है भक्तों का संग है, जैसे देखो तुम लोग हलन में रहते हो लेकिन कुछ लोग वृंदावन में रहते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ आज बैठ करके राधा रानी का अभिषेक कर रहे हो, राधा रानी की कथा सुन रहे हो, ये सौभाग्य सबको नहीं था होगा। वृंदावन में रह करके भी लोग पी रहे हैं, सिगरेटें फूंक रहे हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, लेकिन तुम लोग हालांकि में रहते हुए भी क्या कर रहे हो, सवेरे सवेरे
अच्छा रात को नींद नहीं आएगी, सवेरे सवेरे जाना है, सवेरे सवेरे जाना है, सोए हो कोई? आज रात भर तो हमारी शशिकला और इसलिए हमारे अनंग मोहिनी दीदी रात भर सोए नहीं। मैं ऊपर सो रहा था, देखा उसका आवाज आ रही है, मैं देखा बीच में उठा लाइट जल रहा है और रात भर इन्होंने राधा रानी के लिए केक बनाया। राधा रानी के लिए रात भर इन्होंने केक बनाए और राधा रानी देखते होंगी ना, और आप लोगों के लिए भी प्रसाद बनाए। भक्त लोग सवेरे आएंगे, उनको कुछ प्रसाद बननी चाहिए, कुछ प्रसाद उनको मिलनी चाहिए। देखो ये चीज कैसे हुआ है, कारण क्या? बोले कारण है हम लोग हॉलैंड में रहते, यूरोप में रहते हुए भी, नीदरलैंड में रहते हुए भी आपको भक्तों का संग मिला है। अगर आपके भक्तों का संग नहीं मिलता है ना, फिर आप क्या आज सवेरे आते, फिर राधा रानी की कथा सुनते? इसलिए विजय प्रभु आपको सेमिनार दिया, हरि कथा सुनाया है, तभी आपका मति किसमें आए? भगवान की भक्ति में आए। मेन जो वस्तु है यहाँ पर भक्त संग है। वृंदावन में रहते हुए भी अगर भक्तों का संग नहीं हुआ, चोरी गुंडे बदमाश बनते हैं। इसलिए वृंदावन में रहते हुए भी, लेकिन तुम लोग हॉलैंड में रहते हुए भी सचमुच होली लैंड में रह रहे हो, हाँ होली लैंड में रह रहे हो, जिनके घर में भगवान का नाम कीर्तन भजन बस वही वृंदावन है। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा भक्ति वही श्री वृंदावन धाम, वही वृंदावन धाम है। इसलिए मेन जो वस्तु है ना, कहते राधा रस भाविता मति क्रियताम कुतापि जति लभ्यते। अगर किसी सौभाग्य से ऐसे भक्तों का संग हमें मिल जाए जिनका मति राधा रानी की प्रेम रस में डूबा हुआ हो, अगर ऐसे अगर संग मिल जाए बस हमारे काम बन जाए, हमारी काम बन जाएगी। इसलिए राधा रानी बड़ी दया, राधा रानी बड़ी कृपालु। इसलिए श्री प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले श्री राधा रानी की आंखों से हर समय आंसुओं की झरी बहती है। राधा रानी हर समय रोती रहती है, बोले क्यों रोती रहती है? बोले हम लोग कौन है, राधा रानी मूल माँ है। माँ कब खुश रहती है? जब बच्चे खुश हो। अगर बच्चे दुखी हो ना, फिर माँ कभी सुखी नहीं, माँ भी दुखी रहती है। इसलिए हमारी मूल माँ कौन है? बोले श्री राधा रानी है। इसलिए राधा रानी क्यों रोती रहती है? बोले कारण है हम सब उनके बच्चे हैं, और संसार में आकर के कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई दोस्त से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी 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 दुखी। इसलिए हम दुखी दुखी है, इसलिए हमारी दुख को देख करके राधा रानी क्या करती है, हर समय आंखों से आंसुओं की झरी बहती है राधा रानी की। इसलिए बोले वैदग्ध सिंधु रसरा सिंधु राधा रानी है, सारी करुणा की सिंधु, बात्सल्य की सिंधु, रस की सिंधु, वैदग्ध सिंधु राधा रानी तो प्रेम की समुद्र श्री राधा रानी है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मे स्वरादि सुदुरूह पदार बिंदम श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभवाया। वो कहते हैं जो राधा रानी का जो चरण है कितने दुर्लभ है। बोले ब्रह्मे स्वरादि, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ राधा जी का चरण है। इसलिए ब्रह्मा जी लास्ट में पहाड़ रूप में जन्म ग्रहण किया है। बोले शंकर के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए शंकर जी गोपी मूर्ति धारण करके आते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए उद्धव के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए उद्धव जी राधा जी की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं। हैं कहते भैया इनकी बात छोड़ दो, कभी कभी कृष्ण का जो राधा जी की जो चरण है ना, कभी कभी कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण दुर्लभ हो जाता है, कृष्ण को भी कभी कभी प्राप्त नहीं होता है। राधा रानी अगर मान कर लेना, कृष्ण को भी कष्ट उठाना पड़ता है। राधा रानी के कैसे दर्शन श्री राधा रानी की हो जाए, है? इसलिए आज राधा रानी की जन्मतिथि है, इसलिए सबके सब श्री राधा रानी से प्रार्थना करो, आप तो बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, हम सबको भक्ति दे, प्रेम दे और सेवा प्रदान करे। सबसे पहले राधा रानी तो हमारे लिए बहुत दूर है, पहले गुरु और वैष्णव, गुरु और वैष्णव पहले ये लोग हमारे पर कृपा करें, फिर तो कभी राधा रानी का कृपा
बड़ी दूर में है, अभी हमारे लिए बड़ा दुर्लभ है। डायरेक्ट राधा जी की चरण की सेवा हमें मिल ही नहीं सकती, पहले गुरु वैष्णव कृपा मिलेगी, फिर जाकर कहीं किसी ना किसी जीवन में राधा रानी की चरण हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, बोले श्री वृषभान राज नंद की जय, हिताई गौर ब्रह्मानंद। इसको बंद कर दो, अभी हम कुछ बात करेंगे। बंद कर दिया, हाँ इधर आ जाओ।